नमस्कार, सुबह के 10 बजने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। खबर बरेली से, जहां पर ट्रक और स्विफ्ट कार की भीषण टक्कर हुई। कार में बैठे पांचों व्यक्तियों की मौके पर जान चली गई है। उत्तराखंड के रामनाथ से हरदोई कार सवार जा रहे थे बरेली दिल्ली हाईवे पर। आज सुबह ये हादसा हुआ है। इज्जतनगर थाना इलाके के लालपुर चौकी की ये पूरी घटना है। अजय कश्यप हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल घायलों की हालत कैसी है? देखिए सपना, बताना चाहूंगा कि कार में जो है पांच लोग सवार थे और पांचों की मौत हो चुकी है इसमें। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हादसा बहुत भीषण था, क्योंकि जिस तरह से उनके पीछे जो उनके रिश्तेदारों की दूसरी गाड़ी आ रही थी, उनका उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि उनकी एक गाड़ी जो है अचानक से चल रही थी, अचानक से डिसबैलेंस हुई और वहां दूसरी तरफ जो ट्रक से आ रहा था उससे जाके भिड़ गई और इतनी देर तो तेज धमाका हुआ और धमाके के संग ही वहां पे हाहाकार मच गया। पुलिस को सूचना दी और मौके पे पुलिस ने गाड़ी से जो फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन पांचों की जो है मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम हाउस पे भेज दिया है और वहाँ उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। कुछ लोग थे जो पीछे उस गाड़ी में थे, वो मौजूद थे, उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि वो गाड़ी जो थी, वो लोग जो थे रामनगर उत्तराखंड का क्षेत्र है, वहां से हरदोई जा रहे थे। दो गाड़ियों में सवार थे वो लोग और अगली गाड़ी जो स्विफ्ट गाड़ी थी उसमें पांचों लोग सवार थे। फिलहाल पांचों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। सपना, चलिए आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।